नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है सरकारी स्कूलों की दशा को दर्शाता हुआ है। दरअसल अभी पिछले दिनों से मीरा भाईंदर अंतर्गत एक वीडियो वहां के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी गुलाम नबी फारूकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में गुलाम नबी फारूकी ये बता रहे हैं कि किस तरह से एक सरकारी स्कूल में छोटे छोटे बच्चे जो है जो पढ़ने के लिए स्कूल में जाते उनसे वहां पर झाड़ू पोछा इस तरह के काम करवाया जा रहे हैं। तो इसी को लेकर ये पूरा वीडियो है, अंत तक जरूर देखना। दरअसल ये मामला जो है वो इस तरह है कि गुलाम नबी फारूकी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है, ये मीरा भाईंदर मनपा संचालित काशी मीरा में मछड़ापाड़ा परिसर में मराठी शाला स्कूल नंबर 19 का इन्होंने दौरा किया था। वहां पिछले दिनों ये गए थे किसी एक विकलांग बच्चे को साइकिल वितरित करने, उसको साइकिल देने के लिए गए थे। तब वहां घूमते हुए इन्होंने वहां के प्रिंसिपल से ये अब इच्छा जाहिर की कि मुझे स्कूल देखना है। तो जिस समय वो स्कूल का पूरा निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे वो स्कूल के टॉयलेट साफ कर रहे हैं, तो कुछ अलग अलग किसी के हाथ में वाइपर है, कोई सफाई कर रहा है। तो इस तरह से देखकर उनका दिल काफी झकझोर, अंदर से झकझोर गया और उन्होंने स्कूल के स्टाफ को ये पूछा। तब स्टाफ ने इस बारे में आनाकानी की और कुछ बता नहीं पाया, स्टाफ इसका जवाब नहीं दे पाया। बाद में इस मामले की जानकारी जब मीडिया को, स्थानीय मीडिया को लगी और मीडिया ने कंफर्म करने के लिए गुलाम नबी फारूकी को जब पूछा तो उन्होंने इस पूरी मामले की जानकारी दी और पूरा मामला क्या था उन्होंने अपने शब्दों में कहा। तो क्या कुछ कहना है गुलाम नबी फारूकी का वो आप आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि हमारे देश में आज भी सरकारी स्कूल व्यवस्थाएं किस तरह से है। हमारे देश में आज भी लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में इस तरह का बर्ताव होता है। आज भी हमारे देश में लोगों को सरकारी सुविधाएं चाहिए लेकिन सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजना है। क्यों? क्योंकि वहां पर पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। तो ये सीधा साधा जीता जागता नमूना सामने आया है। मीरा भाईंदर से शर्मसार करने वाली, एजुकेशन सिस्टम को शर्मसार करने वाली यह घटना सामने आई है। अब देखना यह है कि प्रशासन, सिर्फ मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन ही नहीं, इस पे शासन, राज्य शासन क्या एक्शन लेता है ये देखने लायक रहेगा। और आगे इस तरह से ऐसे कैसे कितने स्कूल है जिसमें इस तरह की घटनाएं होती है उनका ब्यौरा क्या राज्य शासन निकालेगा? क्या शिक्षा का स्तर बढ़ाने की राज्य शासन कोशिश करेगा? ये सवाल बड़ा है। तो वीडियो में देखिए गुलाम नबी फारूकी का क्या कुछ कहना है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। बिल्कुल, किसने बोला झाड़ू मारने आया? खुद से लगा रहे, आपका स्कूल नहीं है पढ़ने का, है ना? तो आप झाड़ू लगाने आते पढ़ने आते? धंधा था ना, वो छोटा बच्चा जो आया नीचे बाथरूम साफ कर रहा था। अंदर क्या आपका क्लासरूम से बच्चा निकल के बाथरूम साफ कर रहा है आपको नहीं पता? नए काम करने के लिए ये भी नए काम है, इतने मासूम बच्चों से आप लोग बाथरूम साफ करा रहे हो, ये झाड़ू लगा रहे हो, इन सब बच्चों से इनका क्या भविष्य बनेगा? ये इंसानियत है भाई, टीचर लोग को ना भगवान माना जाता है। ये हम बड़ी दिक्कत करते हैं।
लेकिन टीचर अगर बाथरूम साफ करेगी ये झाड़ू लगाएगी तो बच्चे का क्या भविष्य होगा? इसे नहीं होना ना दिस इज रेडिकुलस। मैं पूछना चाहता हूँ कमिश्नर साहब से कि हमारे मासूम बच्चों से तुम झाड़ू लगाओ। ये देखो कौन है मेरा माइक मैडम मैं देखा बच्चे हाँ हम लोग तो गए थे वहाँ पे मासाचा पाड़ा में MBMC का मराठी एक स्कूल है, स्कूल नंबर 19। वहाँ एक दिव्यांग बच्चा था जो स्कूल आने के लिए उसे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम गए थे व्हील चेयर गिफ्ट करने के लिए। उसके बाद मैं प्रिंसिपल तो भगवान होता ही है, तो प्रिंसिपल साहब के साथ बैठकर मैंने थोड़ा बात की आपको और क्या परेशानी है कुछ। तो प्रिंसिपल साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर एक काम करते यहाँ तक आए तो आपका स्कूल भी देख लेते हैं। अब स्कूल देखने जब गया मैं सेकेंड फ्लोर पे तो मैं देखकर शॉक रह गया। 4 साल 5 साल के बच्चे टॉयलेट साफ कर रहे हैं। बच्चे की हाइट छोटी 2 से 3 फीट की और 6-6 फीट का वाइपर लेकर वो लोग वेट पानी डाल डाल के बाथरूम साफ कर रहे। सवाल पहला ये उठता है कि वहाँ कोई बड़ा इंसान कोई टीचर नहीं था, कोई प्यून भी नहीं था, कोई बच्चा स्लिप होके मर जाता कौन जिम्मेदार? वो हादसा कुछ भी हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, इतने छोटे बच्चे से आप टॉयलेट कैसे साफ करवा सकते हो? वो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं या बाथरूम साफ करने के लिए? मैं प्रिंसिपल साहब से पूछा, वो बोले मुझे नहीं पता है। जिस क्लासरूम से वो बच्चा निकल के आया था वहाँ जाकर मैंने टीचर से पूछा कि टीचर साहिबा यहाँ से आपका बच्चा क्लासरूम से टॉयलेट नीचे साफ कर रहा था आपको पता है? उसने बोला नहीं पता है। और जब थर्ड फ्लोर पे गया तो छोटी छोटी बच्चियां 4 साल की बच्चियां झाड़ू लगा रही हैं। और शॉकिंग बात यह है कि जब मैं ग्राउंड फ्लोर पे आया तो जो साफ सफाई कर्मचारी है वो नीचे मस्त टहल रहा है गुटखा खाकर। आपकी क्या भूमिका रहेगी आप इस मामले में पालिका को शिकायत करने वाले? मैं पालिका को आयुक्त साहब को लेटर देने वाला हूँ, अभी आज शाम को वाया मेल भेज दूंगा। और सदानंद दाते साहब को भी मैं कॉपी भेजूंगा, काशी मेरा पुलिस स्टेशन में सीनियर को भी भेजूंगा। और मेरा ये मान है कि जो भी उचित कार्रवाई होती है सबसे पहला वो प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जाए और जो भी कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर कार्रवाई हो ताकि बाकी स्कूलों के अंदर इस तरह का गलत काम बच्चों के साथ ना हो। सफाई के नाम पे भी मीरा भाईंदर को जो है प्रथम पुरस्कार मिला है और इस तरह से अगर शहर में बच्चे टॉयलेट साफ करें तो क्या बोलेंगे ऐसे? मुझे लगता है पहला तो मैं आयुक्त साहब को बधाई देना चाहता हूँ प्रथम स्थान पाने के लिए, लेकिन मेरी नजर में सफाई का मतलब ये नहीं है। सफाई का मतलब ये है जो अंदर से साफ हो, सफाई का मतलब ये है कि यहाँ पे करप्शन खत्म हो, जो लूटमारी है वो खत्म हो, MBMC में कॉन्ट्रेक्टर लोग का आतंक है वो खत्म हो, वो असली सफाई है। और जिस दिन ये सफाई होगी ना हमारा शहर अच्छी जगह पूरे भारत वर्ष में उसका नाम होगा। क्या बोलेगी इस तरह सफाई में तो बच्चों का भविष्य क्या देखते हैं, वो किस तरह से पढ़ेंगे अगर इस तरह से काम करेंगे? अरे बच्चों का भविष्य है ही नहीं, कौन अपने बच्चों को भेजेगा जो वहाँ पे जाके टॉयलेट साफ करे? वहाँ मैंने उनसे पूछा, बोले टीचर की कमी है, वो मान लिया। लेकिन इतनी सारी सुविधा देने के बाद इतना पैसा महानगर पालिका उस पर खर्च करती है। अभी एक और चीज़ है, सैनिटरी पैड के नाम पे कितने का कॉन्ट्रैक्ट है? आप लोग अगर जाके वहाँ पूछेंगे बच्चों को कि 7वीं 8वीं क्लास की बच्चियों को सैनिटरी पैड मिला क्या, वो भी सच्चाई सामने आएगी। तो यहाँ पे टैक्स पेयर के पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी जेबें भरी जा रही है और शहर को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।